हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मोंटू साइंस किंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में। इसी के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो गैसों का जो पार्शियल प्रेशर होता है, यानी कि जो गैसों का आंशिक दाब होता है, एक तो आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं और इसी के साथ में हम स्टडी करने वाले हैं कि जो ऑक्सीजन और जो CO2 गैसेज होती हैं, इनका जो स्थानांतरण होता है वह किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो गैसों का आंशिक दाब होता है वह क्या होता है। तो हेडिंग लगा दीजिए पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब। आंशिक दाब का मतलब होता है दोस्तों गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहा जाता है। तो लिखिए गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो गैसों की जो विसरण की क्रिया होती है या फिर जो गैसीय विनिमय की क्रिया होती है, ये जो क्रियाएं होती हैं ये आंशिक दाब के ऊपर ही निर्भर होती है। तो लिखिए गैसों का विसरण एवं गैसीय विनिमय की क्रिया आंशिक दाब पर निर्भर करती है। अब देखिए ये जो आंशिक दाब होता है ना, इसका जो मान होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी जगहों पर कितना कितना होता है। तो एक तरफ लिख दीजिए आप रेस्पिरेटरी गैसेज, इधर लिख दीजिए आप एटमॉस्फेयर, फिर लिख दीजिए लंग्स या फिर एल्वुलाई, इसके बाद लिखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके बाद लिखिए डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसके बाद लिख दीजिए लास्ट में टिश्यू। रेस्पिरेटरी गैसेज में देखिए एक बात करेंगे हम ऑक्सीजन का आंशिक दाब और एक होता है इसमें CO2 का आंशिक दाब। ये टेबल आप बना लीजिए। इस प्रकार से ये टेबल आप ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए एटमॉस्फेयर होता है इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वह 159 होता है और जो CO2 का जो आंशिक दाब होता है वह 0.3 होता है। इसके बाद देखिए जो लंग्स होती है, जो एल्वियोलाई होती है, इसमें जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वह कितना होता है, 104 होता है, जबकि जो CO2 का जो आंशिक दाब होता है ये 40 होता है। इसके बाद देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसका जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वह 95 होता है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो CO2 का जो आंशिक दाब होता है वह 40 होता है। इसके बाद देखिए ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वह 40 होता है, जबकि जो CO2 का जो आंशिक दाब होता है वह 45 होता है। इसके बाद देखिए जो टिश्यू है, जो ऊतकों में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वह भी 40 होता है, जबकि जो CO2 का जो आंशिक दाब होता है इसमें वो 45 होता है।
दोस्तों इनके जो ये मान होते हैं ये mm of Hg में होते हैं, यानी कि ये सब mm of Hg में होते हैं। इनकी जो यूनिट होती है वह mm of Hg में होती है, सभी की आप लिख लेना ना। इसके बाद हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, और इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीजन एंड CO2 का स्थानांतरण। हिंदी में भी आप लिख लीजिए ऑक्सीजन एवं CO2 गैस का या फिर गैसों का स्थानांतरण। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन गैस का स्थानांतरण, तो हेडिंग लगा दीजिए नंबर एक पर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 गैस। हिंदी में भी आप लिख लीजिए ऑक्सीजन गैस का स्थानांतरण। देखिए दोस्तों इसकी जो साइट होती है वह क्या होती है, ये कहां से कहां तक होता है, तो इसके जो होने की क्रिया होती है वह लंग्स यानी कि एल्यूलाई, एल्यूलाई से टिश्यू की तरफ होता है जो ऑक्सीजन गैस का जो स्थानांतरण होता है, और यह ब्लड के द्वारा होता है, बाई ब्लड के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो ऑक्सीजन गैस का जो स्थानांतरण होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है ये 97% भाग होता है, 97% भाग होता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि दूसरा जो होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर होता है, प्लाज्मा में डिजोल्व होकर। और जो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर होता है ये 3% भाग होता है। इसमें देखिए क्या होता है, ये ऑक्सी जो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है ये आरबीसी के अंदर होता है, ये कहां पर होता है, इन आरबीसी। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है इसके साथ में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के जो चार अणु होते हैं ये क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों ये जो कंपाउंड होता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। ये जो कंपाउंड होता है इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानता है, और इसमें याद रखना है दोस्तों इसमें जो बाइंडिंग होती है वह फिजिकल बाइंडिंग होती है, दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसमें किस प्रकार की बाइंडिंग पाई जाती है, तो इसमें फिजिकल बाइंडिंग पाई जाती है, याद रखना है। इसके बाद में देखिए ये जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, ये जो हीमोग्लोबिन होता है एक आयरन युक्त वर्णक होता है, आयरन युक्त वर्णक होता है, और एक लाल रंग का वर्णक होता है, लाल रंग का होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का जो रंग होता है वह लाल होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक नोट लगा करके लिखिए दोस्तों, देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो लिखिए एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा, दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह 750 से 800 ग्राम पाई जाती है, तो लिखिए 750 से 800 ग्राम पाई जाती है। यदि इसमें भी हम मेल के अंदर बात करें
इन मेल के अंदर बात करें तो इसके 13 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है। कितना? 13 से 17 ग्राम। यदि फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल के अंदर 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि 100 ml जो ब्लड होता है इसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो देखिए 1000 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। तो 1000 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा देखिए 15/100 × 1000, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, यहां से कितना जाएगा, ये 150 ग्राम आ जाएगा। तो 1000 ml ब्लड के अंदर 150 ग्राम हीमोग्लोबिन आ गया। तो 1000 ml ब्लड का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1000 ml का मतलब कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो हम यहां से ये भी तो कह सकते हैं कि 1 लीटर ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 150 ग्राम होती है। जब 1 लीटर के अंदर इतनी होती है तो 5 लीटर के अंदर कितनी हो जाएगी, तो देखिए 150 × 5 यानी कि 750 ग्राम। और हमने अभी पढ़ा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह कितनी होती है, 750 ग्राम ही तो होती है। इसके बाद देखिए जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, इस 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कितना होता है, तो इस 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या होता है, 1.34 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा देखिए कितनी होगी। तो दोस्तों जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी वो देखिए, तो 1.34 × 15, तो यहां से ये आप कैलकुलेट करोगे तो इसको ये 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आ जाएगा यहां से। तो देखिए 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ाया कि 1000 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1000 है तो 100 ml, जो 100 ml ब्लड होता है इसके द्वारा 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, ये भी तो कह सकते हैं हम। जब 100 ml ब्लड के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है तो 1000 ml ब्लड के द्वारा कितनी होगी, देखिए तो 1000 ml ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी वो देखिए, यानी कि 20/100 × 1000, तो 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, तो ये 200 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आ जाएगा यहां से। अब देखिए 1000 ml का मतलब कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 लीटर ब्लड के द्वारा 200 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि 1000 ml का मतलब कितना होता है, 1 लीटर होता है। तो देखिए 1 लीटर ब्लड के द्वारा 200 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गई। तो इसके बाद देखिए दोस्तों 5 लीटर ब्लड के द्वारा कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, तो 1 × यानी कि 200 × 5, तो ये कितना आ जाएगा, 1000 ml आ जाएगा। एक हज़ार ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी 5 लीटर ब्लड के द्वारा। तो 1000 ml का मतलब कितना होता है, वही 1 लीटर होता है। तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि 5 लीटर ब्लड के द्वारा 1 लीटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोस्तों प्रत्येक 100 ml ब्लड के द्वारा 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यू की तरफ भेजा जाता है। तो लिखिए प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ भेजी जाती है।
इसके बाद हेडिंग लगा दीजिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी कि CO2 गैस का स्थानांतरण। CO2 गैस का स्थानांतरण दोस्तों, ये CO2 गैस का जो स्थानांतरण होता है ये तीन प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं कौन से इसके तीन प्रकार हैं। नंबर एक होता है बाइकार्बोनेट आयन्स के रूप में, और जो बाइकार्बोनेट आयन्स के रूप में जो स्थानांतरण होता है ये 70% होता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा होता है वह होता है कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में। इसे हम HbCO2 भी कह देते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये 23% होता है यानी कि 23% होता है। इसके बाद में देखिए जो तीसरा होता है वह होता है प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, प्लाज्मा में डिजोल्व होकर। और ये जो होता है 7% होता है। अब इसमें पहला डाल दीजिए आप बाइकार्बोनेट आयन्स के रूप में, देखिए ये जो बाइकार्बोनेट आयन्स के रूप में जो CO2 गैस का जो स्थानांतरण होता है ये पहली बात तो ये RBC के अंदर होता है, जो बाइकार्बोनेट आयन्स का जो निर्माण होता है वो RBC के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है और उस एंजाइम का नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसे CA भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों जो H2O होता है और जो CO2 होता है ये रिएक्शन करके, और यहाँ पर जो एंजाइम होता है वो होता है CA यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज। H2O और CO2 रिएक्शन करके कंपाउंड बना देते हैं H2CO3। इसके बाद में क्या होता है कि फिर से रिएक्शन होती है और फिर से इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज उपस्थित होता है। इससे क्या होता है कि ये जो H2CO3 होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, HCO3- + H+ के अंदर। ये जो कंपाउंड होता है दोस्तों बाइकार्बोनेट कहलाता है। इस प्रकार से बाइकार्बोनेट आयन्स का निर्माण होता है। इसके बाद नोट लगा करके लिखिए दोस्तों, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम होता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, देखिए ये जो एंजाइम होता है ये RBC एंड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो लिखिए RBC एंड प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये जो एंजाइम होता है दोस्तों केवल CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, याद रखना है, केवल CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। तीसरा देखिए, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है इतना फास्टेस्ट एंजाइम होता है हमारे शरीर का, सबसे फास्टेस्ट जो एंजाइम होता है, सबसे जो तीव्र एंजाइम होता है वह कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही होता है। इतना फास्टेस्ट होता है कि 1 सेकंड के अंदर 600,000 बाइकार्बोनेट आयन्स का निर्माण कर देता है। तो लिखिए फास्टेस्ट एंजाइम, इतना तीव्र होता है कि 1 सेकंड के अंदर 600,000 बाइकार्बोनेट आयन्स का निर्माण कर देता है पर सेकंड, याद रखना है दोस्तों।
और इसके लिए एक को फैक्टर होता है, और वह जो को फैक्टर होता है वह जिंक प्लस टू होता है। जिंक प्लस टू होता है। इसके बाद इसमें जो दूसरा देखिए दोस्तों, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में, ये जो ट्रांसपोर्ट होता है दोस्तों, ये भी आरबीसी के अंदर होता है। आरबीसी के अंदर इसमें क्या होता है दोस्तों, CO2 के चार अणु होते हैं और एक NH2 ग्रुप होता है। ये जो NH2 ग्रुप होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की प्रत्येक ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। तो लिखिए, हीमोग्लोबिन की प्रत्येक ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है दोस्तों, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। इसके बाद तीसरा देखिए दोस्तों, प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, और ये जो भाग होता है 7% होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि जो CO2 की जो घुलनशीलता होती है, जो CO2 की जो घुलनशीलता होती है वह ऑक्सीजन की घुलनशीलता से ज्यादा होती है। एक तो ये याद रखना है आपको, और जो दूसरा देखिए, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो बंधुता होती है वह CO2 की बंधुता से ज्यादा होती है, यानी कि बॉन्ड बनाने की क्षमता वह ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, जबकि घुलनशीलता होती है वह CO2 की ज्यादा होती है। तो यहां से हम कह सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा 4 ml जो CO2 होती है वह फेफड़ों की तरफ ट्रांसफर की जाती है। तो लिखिए, एक नोट लगा करके लिखिए, प्रत्येक 100 ml डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के द्वारा 4 ml CO2 फेफड़ों यानी कि लंग्स की तरफ डिलीवर की जाती है, यानी कि भेजी जाती है। अब देखिए 100 ml ब्लड के द्वारा 4 ml CO2 डिलीवर होती है, तो 1000 ml ब्लड के द्वारा कितनी होगी? तो 1000 ml ब्लड के द्वारा जो CO2 होगी वो देखिए, 4/100 × 1000, 20 से 20 काटिए यहाँ से, तो ये हो जाएगी 40 ml CO2। अब देखिए 1000 ml ब्लड का मतलब कितना होता है? 1 लीटर होता है। तो ये भी तो कह सकते हैं हम कि 1 लीटर ब्लड के द्वारा 40 ml CO2 ट्रांसफर होगी, तो 5 लीटर के द्वारा कितनी होगी? तो 5 लीटर के द्वारा होगी 40 × 5, यानी कि 200 ml CO2। तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर प्रति मिनट यानी कि प्रत्येक मिनट 200 ml CO2 जो होती है फेफड़ों से बाहर निकलती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बस पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।